तो सबसे फन पार्टी उसमें यही है कि हमें सब कुछ खुद करना है। हमें वेंडर जी ज्वाइन कर रहे हैं। अरे शिट 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 हैश। चलो बच्चों निकलो, चलो 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 चलो। कोई बात नहीं, इनके सिंग है नहीं तो ये हमें मारेंगे नहीं। ओए दैट्स लाइफ, दैट्स लाइफ, दैट्स व्हाट ऑल द पीपल से। You're riding high in April, shot down in May, but I know I'm gonna change that tune. When I'm back on top in June, I said that's life. Welcome back to YouTube. Yeah. Welcome back to the next episode, which will be merged in the first episode only. So, I want to tell you, after we reached the village, we started our journey. One of our friend went away, went back to his home. That's why he's not here. Virinder Pratap Singh. Our journey starts from the Kareri village. So, we have started वहाँ पर ब्रेकफास्ट वगैरह किया, उसके बाद हम लोग लग पड़े वहाँ से निकलने। सोचा था 7 बजे निकलेंगे लेकिन 7:11 हमें खाना बनाने में, बर्तन धोने में, उसके पूरे पैसे देने में करीब 11 बज गए और हम लोग 11 बजे वहाँ से लग पड़े जर्नी स्टार्ट करने। पर स्टिल हम लोग अभी भी उस जर्नी, उस ट्रैक स्टार्ट करने से 3 किलोमीटर पीछे थे जहाँ से मेन स्टार्टिंग पॉइंट। हाँ, क्योंकि वो रास्ता खराब था, काफ़ी ज़्यादा मडी था वो रोड और बहुत ज़्यादा एंडुलेशंस थी, तो हमारे हैवी ड्राइवर थे वो कार पहुंचा नहीं सकते थे। वो पहले ही चले गए थे, तो वो पहले ही हट गए थे, वो उससे 8 किलोमीटर पीछे हट के वापस चले गए। एक्सपेक्टेड था कि हाँ हम क्या करेंगे, इसके एक फ़ोन से वीडियो शूट करेंगे और सारी वीडियो जो भी हैं, फोटोग्राफ्स वीडियो सारे इसके फ़ोन से शूट करेंगे, तो बाकी के कैमरे इतने अच्छे नहीं थे। अब चल पड़े। अब क्या हुआ कि बस जैसे ही पहला कदम स्टार्ट किया, पहली फ़ोटो, 5 मिनट बाद एक और फोटो, फोटो। अभी 3 किलोमीटर हुए नहीं कि हमने एक डेढ़ जीबी तो हाँ 1-2 GB तो हमने फोटोज ही वीडियोज बना बना और वीडियोज ले ली होंगी, हालांकि वो फोटोज वीडियो भी होंगी नहीं यहाँ पर। साथ में हमारे पास, हमारे साथ 2 पार्टनर और भी थे और 2 डॉगीज थे जो हमारे टूर गाइड थे। वो बोल नहीं सकते थे पर हाँ डायरेक्शन बिस्कुट दिख रहे थे, बिस्कुट दिख रहे थे बैग में तो चले हुए थे साथ में। उनकी फीस थी बस पार्ले जी, पार्ले जी, पार्ले जी। हमने पार्ले जी साथ में रखे थे काफी ज्यादा उन्हीं के लिए। उसके बाद हमने ट्रैक शुरू किया जो मेन ट्रैक है। तो शुरू शुरू में तो जैसे गौरव ने बताया कि हम बहुत एक्साइटेड थे कि हाँ ट्रैक पे जाएंगे, पहला ट्रैक है, मज़ा आएगा, ये होगा वो होगा। 1 किलोमीटर, 1 किलोमीटर भी नहीं, 1 किलोमीटर भी नहीं, 200 मीटर चले, 200 या 300 मीटर के बाद और 1 किलोमीटर तो हम चल पड़े वहाँ पर, 1 किलोमीटर चलते रहे वहाँ पर। एक हालांकि वो भी मुश्किल था, रिवर टाइप क्रॉस की थोड़ा, हाँ मज़ा आ रहा था, मज़ा आ रहा था। फिर 1 किलोमीटर के बाद असली डिफ़िकल्ट पार्ट स्टार्ट होता है। मोस्ट डिफ़िकल्ट पार्ट नहीं बोलेंगे, ये आपको आगे पता लगेगा, पर वो डिफ़िकल्ट पार्ट था क्योंकि वो इतना स्लोपी था कि उसमें कंटिन्यूसली हमें सीढ़ियाँ थी वो चढ़नी पड़ रही थी। थोड़ा चले, थोड़ा पानी, 50 मीटर ज्यादा नहीं, 100-200 मीटर नहीं, 50 मीटर बस। फिर बैठ जा रहे, फिर घूट पानी पी रहे, 2 बिस्कुट खा रहे, फिर कंटिन्यू।
उसमें बहुत पहला हाफ जो था मतलब पहले दिन का बहुत टफ था अपने लिए क्योंकि बहुत टाइम लगा वजन भी था और साथ में इसलिए और दूसरा जो वेट का था वेट तो इतना रेकमेंड करेंगे नहीं सर जो तेरा चकराए क्या दिल डूबा जाए आजा प्यारे पास हमारे काहे घबराए काहे घबराए सर जो तेरा चकराए या दिल डूबा जाए आजा प्यारे पास हमारे काहे घबराए काहे घबराए जो हम लोग उस साइट पे पहुंचे जहाँ पर हमने कैंपिंग करनी थी तो वो बहुत ही प्यारा था और साथ ही साथ तो देखने में काफ़ी डिफरेंस था कि हम लोग एक एज पे चल रहे थे एक पहाड़ की और उसके बिल्कुल राइट साइड में इतना पतला कि चलने लायक है बस उसके एकदम राइट साइड में एकदम खाई थी तो हम थोड़ा लेफ्ट की तरफ को लीन होके चल रहे थे कि हाँ अगर गिरेंगे तो लेफ्ट की तरफ को गिरेंगे बिल्कुल तो कोई वापस लेके जाने वाला भी नहीं है Bundles of flowers away through the hours of cold. Winter shall howl at the walls, tearing down doors of time. Shelter. Maybe, just maybe, I'll come to you.
तो काफ़ी अभी तो डे था उस टाइम, तो हम लोगों ने सोचा कि हाँ अभी यहाँ हॉल्ट ले लेंगे हम लोग एक दिन का, और वहीं पर हम लोग आग जलानी थी क्योंकि हमारे पास कोई मेजर गाइड थे नहीं, तो हमें आग खुद जलानी थी, टेंट खुद लगाना था, लकड़ी इकट्ठी करनी थी और खाना बनाना था। हमारा जो शाम का टाइम था वो इसी तरह बीत गया कि लकड़ी इकट्ठी करनी, खाना बनाना, आग जलानी। सबसे मज़ा भी उसी में आता है कि जब तुम एक एक जन वहाँ पे लकड़ियाँ इकट्ठा कर रहा है, दूसरा आग जला रहा होएगा, तीसरा कुछ और कर रहा होएगा, चौथा कुछ और कर रहा होएगा, ऐसे मिलके काम कर रहे होंगे सारे, टाइम तो जाएगा जाएगा, जो एक्सपीरियंस मिलेगा वो सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट बात है। इस भाई में सबसे ज्यादा ये लगातार लगातार फूक मार के चला रहा है। ये CPR, ये CPR एक्सपर्ट है, सबको CPR देता है। आई हैव गुड ब्लोइंग पावर। तो हाँ, हमने जैसे ही खाना और रात का डिनर कंप्लीट किया तो हम लोगों ने देखा नीचे लोग और बैठे हुए थे, तो उन्होंने हमें बोला गुफा के लेवल से नीचे, और हम लोग नीचे कैंप की तरफ जाने लगे अपने, तो वहाँ काफ़ी लोग, बाकी दो तीन चार ग्रुप होंगे आई गेस वहाँ पर, जो बोन फायर लगा के बैठे थे, और उन्होंने हमें इनवाइट किया कि आ जाओ हमारे साथ, वहाँ बातें वगैरह की हमने, तो वहाँ पर भी कॉकटेल्स थे, कोल्ड ड्रिंक थी वहाँ पे भी, वहाँ में कोल्ड ड्रिंक्स थी। अब लिमका के साथ जब फैंटा मिक्स होता है तो इंसान का मज़ा आ जाता है। तो फैंटा पी के मजा लेके उसके बाद जब स्पीकर्स पे उन बंदों ने गाने वाने लगाए, उन्होंने इनवाइट किया कि डांस कर दे, डांस करो। और ये हम सब शर्मीले ज्यादा हैं, शर्मीले हमसे नहीं होता, ये ज्यादा खुला बंदा हुआ है, इंट्रोवर्ट। हालांकि मुझे भी काफी लोग बोलते हैं कि आप इंट्रोवर्ट हो। हाँ, लेकिन इन्होंने माजा पिया था थोड़ा, एक्सट्रोवर्ट हो गया था। मेरा इंट्रोवर्ट जो था वो चला गया था भाग के कहीं पर। जो इन भाई साहब ने जो डांस किया है अंधेरे में लगे हुए थे, अंधेरे में लगे हुए थे, ये जाने बिना कि हाँ हल्का सा पैर इधर उधर हुआ तो नीचे जाएंगे, ट्रैक दोबारा से शुरू करना, वो भी रात में।